हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10th देख रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। तो पहले इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हमें क्या करना है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। यहां से एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी, एक टेंजेंट ये हो जाएगी और एक टेंजेंट ये हो जाएगी, ठीक है। और ये मान लो सेंटर ओ है। अच्छा अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं ये, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंड बाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसको इस सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है वो और ये एंगल, ये दोनों एंगलों का जो सम है वो क्या है, वो 180 है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 आना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ देखें सॉल्यूशन टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ठीक है। तो प्रूफ ये करना है, एंगल ए पी बी, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री, तभी तो सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन क्यों आसान है, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये जो रेडियस है वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, हमें मालूम है, ठीक है, थ्योरम होती है। अच्छा अब ये 90 डिग्री यहाँ है, ये दोनों 90 कितना हो गया, 180, तो ये दोनों भी 180 होगा वैसे तो। लेकिन अब इसको क्या हम करेंगे, ये क्या बन गया, इन चारों का सम कितना होगा, ये क्वाड्रिलेटरल शेप बन गया ना, इन चारों का सम 360 होगा। ऐसे सॉल्व कर लो इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ लिख दो फ्रॉम फिगर, तो हम लिख देंगे, देखो इसी तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे पहले ये एंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे, पी ए ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला एंगल आ गया। अब ये एंगल लेंगे तो पी बी ओ प्लस, या फिर इसको सीधे 90, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, पी बी ओ प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी लिख दिया मैंने, तो ए ओ बी लिख दो, बी ओ ए को ए ओ बी लिख दिया, ए ओ बी, और प्लस इस एंगल को पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इजकल टू ये 360 होगा पूरा, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो ए पी बी जो है, ए पी बी ये तो पता ही करना है, एंगल ए पी बी प्लस पी बी ओ, पी बी ओ ये 90 डिग्री है, 90 प्लस ए ओ बी, ए ओ बी लिख दो, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस पी ए ओ, पी ए ओ ये 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 आ जाएगा, इजकल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 90 ऐड कर देंगे, इसको इसको पहले लिख लो ऐसे, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 90 और 90 हो जाएगा 180 इजकल टू 360, ठीक है। तो अब इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू 360 माइनस 180 डिग्री लिख दो यहाँ, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 180 आएगा। तो इन दोनों एंगलों का सम सप्लीमेंट्री आ गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो पूछा है वो प्रूफ हो गया, क्या पूछा था यहाँ से, ये सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आ गया आंसर प्रूफ।